यस इंस्पेक्टर। हाँ अम्मा मैं आई सब ठीक। हाँ चीफ इंस्पेक्टर क्यों कॉल कर रहे तुझे प्रीशा? और कुछ पंगा तो नहीं ले रही है तू मुझसे? यही पता करने तो आई हूँ मैं यहाँ, अभी देखती हूँ। अम्मा मेरे लिए एक फटाफट से कॉफी बना दो ना, बहुत याद आ रही थी आपकी कॉफी की। अभी बनाती हूँ, आपके लिए भी बना दो। यस इंस्पेक्टर। बोलिए। सॉरी थोड़ा सा बिजी थी। क्या हे वेंकटेश्वरा, गौतम पर किसी ने अटैक किया है? तो वो थैंक गॉड, थैंक यू वेंकटेश्वरा, गौतम बच गया ना, वो मुझसे मिलना चाहता है। कहाँ, कौन से होटल में? होटल द येलो ऑर्किड। अच्छा कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर 208। ठीक है मैं आज ही मिलने आती हूँ। हाँ अब चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या गौतम फिर बच गया? पर कैसे? इसे तो मारना पड़ेगा वरना मेरा सब कुछ खत्म कर देगा ये आदमी। द येलो ऑर्किड होटल रूम नंबर 208 में है। प्रीशा से पहले मैं जाती हूँ। हाँ रुद्राक्ष, हमारा प्लान काम कर गया। मतलब उसने तुम्हारी बात मान ली ना? उसको ये लगा ना कि तुम इंस्पेक्टर से ही बात कर रही थी। हाँ अब वो होटल जरूर जाएंगे। अरे आने दो ना, मैं यही लॉबी में वेट कर रहा हूँ उसका। गौतम भी रेडी है, जैसे ही वो आएगी मैं गौतम को अलर्ट कर दूंगा। लेकिन ध्यान से रुद्रा, अक्का बहुत चालाक है। चालाक है तो होने दो, आज हमारे जाल में फंसी जाएगी वो। तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ उसका। ओके ओके बाय। रुद्र, वाह, मैं तो जानबूझ के इस गेटअप में आई क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पुलिस आ सकती है और वो चालाक प्रीशा भी। पर यहाँ तो माय डियर हस्बैंड भी आए हुए हैं। मुझे पकड़ने में प्रीशा की हेल्प जो करनी है, पर उसके लिए पहचानना भी तो पड़ेगा तुम्हें मुझे। फिर भी मैं कोई चांस नहीं लूंगी, ऐसा फंसाती हूँ ना इसे कि ये देख ही नहीं पाएगा मुझे। कुड़ियों कितने जा रहे हो तुम? अरे उठे देखो उठे, वन दी ओनली रॉक द स्टार रुद्राक्ष कराना है। अरे वो तो रॉकस्टार, जाओ जाओ जाओ। Yes? Room service. I think आप गलत रूम में आए हैं। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सर ये होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, हम सारे ही गेस्ट को शैंपेन और चॉकलेट्स दे। बट अरे आप अंदर कहाँ जा रही हैं? पर आप इसे वापस ले जा सकती हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बोला मुझे इसकी जरूरत नहीं, आप जाइए ना यहाँ से। तुम्हें तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है,
गौतम, तुम यहां कैसे? और तुम्हें पता कैसे चला मैं यहां हूं? मैं अभी जाके पुलिस को बुलाता हूं। कुछ करना मत। तो फिर हिलना मत, वरना ये देख रहे हो ना। क्या किस्मत है यार तुम्हारी, दो बार तुम्हें मारने की कोशिश करी और तुम दोनों बार बच गए। पहली बार तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, पूरी गाड़ी जल गई बूम, लेकिन तुम बच गए। दूसरी बार तुम्हें जहरीला इंजेक्शन दिया, तुम्हारी सांसें चलना भी बंद हो गई थी, लेकिन तुम फिर भी बच गए। मगर इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और देखने के लिए रुकूंगी कि तुम मर रहे हो या नहीं, वरना तुम वापस जिंदा हो गए थे। बाय। ऐसी गलती मत करना आपका। मैं आपकी जगह होती पैसा कभी नहीं करती। आज आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, इसीलिए आप मेरे प्लान में फंस गए। तेरा प्लान? हाँ, वो फोन कॉल याद है? यस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का, जिसमें मैंने बोला था कि गौतम जिंदा है, इसी होटल में 208 में, वो मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे छुपकर सुन रहे हो और ये सुनने के बाद आप यहाँ जरूर आओगे गौतम को मारने, और तब मैं आपको रंगे हाथ पकड़ूंगी। और मैंने आज आपको रंगे हाथ पकड़ लिया। अब जब से आए हो तब से अब तक की पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और बाकी सारी बातें तो गौतम बता देगा पुलिस को। अब आपके धोखे और झूठ का खेल खत्म, इसलिए छोड़ दो उसे। क्या मास्टरमाइंड प्लान बनाया तूने प्रीशा? अभी की सारी रिकॉर्डिंग है तेरे पास, और गौतम जाकर पुलिस में सब कुछ बताने वाला है मेरे खिलाफ। लेकिन गौतम को मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना। नहीं अक्का, प्लीज प्लीज बचा लो मुझे। हाँ प्रीशा, प्लीज बचा ले इसे, तू ही बचा सकती है इसे, वरना ही गौतम तो गया। नहीं नहीं अक्का, नहीं नहीं मारो इसे। हाँ छोड़ दूँ? ठीक है, पर तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये जो वीडियो तूने अभी रिकॉर्ड किया है ना मेरे खिलाफ इस रूम में, वो डिलीट करना पड़ेगा। मैं डिलीट नहीं करूंगी। नहीं करेगी डिलीट? तो फिर गुड बाय बोल दे गौतम। नहीं अक्का, रुक जाओ। प्लीज प्लीज। ऐसा कैसे होगा, मतलब मैं गौतम को भी छोड़ दूं और वो सबूत भी छोड़ दूं, तो मैं क्या करूं? मैं जाके फांसी पर लटक जाऊं? हाँ?